गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे बात जो क्लास नाइन्थ का है, चैप्टर सिक्स लाइन एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम है इसमें, ये एक लाइन दे रखी है हमारे पास, इसका नाम है हमारा नाइन्थ लाइन का, ए बी लाइन है ये, ठीक है। यहाँ से एक हमारी सीधी लाइन नीचे आ रही है, ये जो लाइन हमारी नीचे वाली है ये इसके पैरेलल दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है ये सी और ये डी जो हमारा ये पैरेलल है किसके, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल दे रखी हैं। और ये हमारी क्या थी, ये ई और एफ, ये हमारी क्या परपेंडिकुलर है इसके, 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का सिंबल है। और ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे करके जी के साथ यहाँ जुड़ रही है, ठीक है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, ओके। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया दे रखा है, और उसके बाद उन्होंने क्या रखा है हमारा जी ई और डी, जी ई डी, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लू कलर में कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एंगल हमारा कितना है, ये 126 डिग्री दे रखा है जो ब्लू में है, ठीक है, पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमें जो निकालना है, जो हमें एंगल निकालना है, मैं इसको एक तो हमारे पास एंगल ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है खाली, ठीक है, जो कि हमारा है जी ई एफ, एक तो ये निकालना है, ओके। उसके बाद एक एंगल हमारा कौन सा निकालना है इन्होंने, ए जी ई, एक हमारा एंगल ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, दो एंगल हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक एंगल हमारा कौन सा निकालना है, एफ जी ई, एक एंगल हमारा ये भी निकालना है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो एक दो तीन एंगल हमने इस डायग्राम में निकालने हैं, और हमारे पास एंगल है एक ये 90 डिग्री दे रखा है और एक ये बड़ा वाला 126 दे रखा है, तो इन दोनों की मदद से हमें निकालने हैं, ठीक है। ये जो पूरा वाला एंगल देखिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरल हैं, ये लाइन और ये पैरल हैं, तो ये जो देखो जेड लाइन स्ट्रक्चर जो बन रहा है, तो ये वाला एंगल है ए जी ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल कौन सा हमारा जी ई डी, कौन सा जी ई डी, कैसे है यह अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल, जो कि हमारे होते हैं वो कौन सी लाइन में होते हैं, पैरेलल लाइन में, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब एंगल जो ए जी ई भी हमारा कितना हो गया, 126, क्योंकि ये वाला जो एंगल था 126 दे रखा था, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ निकल गया। अब उसके बाद है ये हमारा 126 आ गया, इसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, अब हम ये निकालते हैं, ये एंगल जो निकलेगा ये भी 126 की मदद से निकलेगा। अगर हम 126 में से 90 डिग्री माइनस कर देते तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एंगलों के नाम लिखने पड़ेंगे, एंगल हमारा ये कौन सा है, ये है जी ई एफ, जी ई एफ कैसे निकलेगा, जी ई डी में से एंगल, जी ई डी में से अगर हम माइनस करते हैं एंगल कौन सा, एफ ई डी, एफ ई डी अगर हम माइनस करते हैं, आप लोग जैसे जैसे मैं नेमिंग कर रहा हूँ वैसे वैसे डायग्राम जरूर देखना, ठीक है। एंगल जी ई एफ जो हमारा है, ठीक है, ओके, ये वाला एंगल किसके, ये पूरा एंगल कितना हमारा 126 डिग्री, उससे वैसे माइनस कर दें हम इसको कितने डिग्री को, 90 डिग्री को, एंगल जी ई एफ हमारा निकल जाएगा। तो 126 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 36 आंसर आएगा, आप लोग करके देख लीजिए कितना आ गया, 36 डिग्री हमारा आ गया, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना आ गया, ये 36 आ गया, और ये हमारा कितना 126 डिग्री निकल गया, ओके। अब इसकी हेल्प से हम इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है दोनों का, तो इसको हम निकाल सकते हैं। नेमिंग देनी है, आप लोग नेमिंग ऐसे भी दे सकते हैं, आप लोग नेमिंग वन एंगल टू करके भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो
ये दोनों का सम, इसका इसका जो कितना है 126 डिग्री है, इसका नाम है एंगल ए जी ई प्लस एंगल हमारा है, दूसरा एंगल है हमारा ई जी एफ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा 126 डिग्री है और ये हमें निकालना है ई जी एफ निकालना है, तो एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180, ये जब इधर मारेगा माइनस हो गया, एंगल ई जी एफ हमारा कितना डिग्री है, अब 180 में से 126 माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आएगा हमारा, कितना डिग्री आएगा आप लोग को कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो माइनस करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर कैरी लेगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 7, 7 में से 2 गया 1 2 5, 54 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है, जो ये निकालना था हमारा एंगल कौन सा, ई जी एफ हमारा कितना डिग्री आ रहा है, ये हमारा ई जी एफ आ रहा है 54 डिग्री। ओके, और ये जो हमारा बीच में एंगल था जी ई एफ, ये हमारा 36 डिग्री आ गया है, और एक और एंगल था हमारा 1 2 3, और ये जो हमारा एंगल था 126 डिग्री आ गया ए जी। तो ये तो आपके एंगल थे जो हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, इसका एक मेथड और है इसका करने का, अगर आपको ये नेमिंग पूरी नहीं आती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड मुझे लगता है ईजी होगा, आपको मैं करके दिखा देता हूँ इसका भी, बस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा से फिर से, तो वो इशू नहीं है, आप लोग देखते रहना, ये जो मेथड है ये भी ईजी होगा, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, क्योंकि बिना डायग्राम के तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या है, जो नेमिंग है वो मैं दूसरे तरीके से नेमिंग करूँगा, कि अब तो आपको ये वाला जो मेथड है जो मैं अब कर रहा हूँ ये ईजी लगे पहले वाले से, क्योंकि अपना अपना वो होता है, हर बच्चे का अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी होती है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे करके जा रही है, लेबलिंग मैं कर लेता हूँ देख के, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी कोई बात नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ये जी है, ये एफ है, ये ई है, और ये हमारा डी है, ये हमारा बी है। ओके, हमारे पास जो एंगल है, एक तो ये दे रखा है 90 डिग्री का, और ये रेड पेन से कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक ये पूरा हमारा रेड पेन से जो दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 126 डिग्री दे रखा। ठीक है, हमें एंगल ये वाला एंगल निकालना है, इसका एंगल 1 नाम दे देता हूँ मैं, और इस वाले एंगल का नाम एंगल 2 दे रहा हूँ, क्योंकि ये ईजी रहता है बच्चों को याद करने के लिए, और यहाँ से जो एंगल है इसको मैं ब्लू पेन से लगाता हूँ, ये एंगल जो हमारा है इसका एंगल 3 दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 हमें निकालना है, इससे भी क्या होता है बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है, ये वाला मेथड जो मैंने देखा है बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है। अब ये दोनों लाइनें पैरल दे रखी हैं, क्वेश्चन सेम है हमारा, इन दोनों लाइनों का क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये 6.3 चल रहा था, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 6.2 क्लास 9th की। ठीक है, नेमिंग चेंज करने का मैं क्या बेनिफिट होता है, ये दोनों लाइनें पैरल है तो एंगल जो 1 होता है ये इसके बराबर होगा पूरा, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 126 डिग्री, क्या है ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल 1 हमारा आ गया, उसके बाद एंगल 1 की हेल्प से एंगल 2 निकल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ये क्या है लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल 1 कितना है 126 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये जब मार के जाएगा माइनस का 126 हो जाएगा, एंगल 2 हमारा माइनस कर कितना आएगा 54 डिग्री। ठीक है, एक यहाँ निकल गया एक यहाँ निकल गया, अब रह गया हमारा एंगल 3, एंगल 3 निकालना है, ये निकालना बड़ा ईजी है, देखो ये पूरे में से 126 में से अगर हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल 3 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
एंगल थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करके हमारा 36 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है, आपके पास दो मेथड मैंने कर दिए हैं, आप चाहे ये इस वाले मेथड से कर लीजिए, चाहे आप इस वाले मेथड से कर लीजिए, आपके दोनों मेथड राइट हैं और जो सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्योमेट्री पोर्शन है, इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं करने के, फिक्स मेथड नहीं होता कि आपको फिक्स मेथड से ही करना है, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में सर्कल आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन है मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट का बहुत सारा बेनिफिट है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती होगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, अपनी क्लास देखिए, अपना चैप्टर देखिए, क्लिक करिए और अपनी वीडियो एक जगह पे सारी आप देख सकते हैं और आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।